भी हमारे साथ में दो डिप्टी जेलर साहब जो कि पूरे समय मौजूद रहे व्यवस्था को देखा, सुशील निरंजन जी तो आज यहाँ पे नहीं है लेकिन चितरंजन जी रहे हैं हमेशा से, तो मैं चाहूँगा चितरंजन जी भी इस कार्यशाला में जो भी उनके विचार रहे हैं प्लीज़ हम लोग के साथ शेयर कीजिए। आप आएंगे आगे? ठीक है। आदरणीय अधीक्षक साहब, जेलर साहब, सर जी यूनिवर्सिटी से आप लोगों को पढ़ाने आए हैं, डिप्टी जेलर साहब तथा सभी आए हुए अतिथियों को हमारी तरफ से जय हिंद। सभी बंदी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे अधीक्षक साहब के द्वारा ये मान भाषा मानवीय मूल्यों की कार्यशाला आप लोगों के लिए स्थापित की गई। आप लोग सभी लोगों ने अपना अपना विचार बताए, सब लोगों की सबसे बड़ी प्रशंसा ये हुई कि आप सभी लोगों को इस अध्ययन से, इसके अध्ययन से बहुत कुछ सीखने को मिला। वास्तव में देखा जाए तो आदमी के या मानव के लिए ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है जो कि बाहर की किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब यहाँ पढ़ के अपनी समझ को, अपनी पूछ को लिए जितना ये बंदियों के लिए हितकारी है उससे कहीं ज़्यादा ये समाज के लिए भी हितकारी है। अगर समाज में इस तरह की हर इंसान को ऐसी कार्यशाला में अध्ययन कराया जाए तथा आदमी अपने को तथा दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने की विचारधाराएं उनकी अच्छी हो जाए तो हो सकता जो आज जेलों की संख्या बढ़ी हुई है ये भविष्य में इतनी ना हो तथा हर आदमी को जेलों का सही और व्यवस्थित रूप समाज में प्रदान हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोग तो सब लोग पढ़े हैं और देखे हैं, आप लोगों ने बहुत इसमें रुचि दिखाई, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद।